नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। स्केल की पहचान आज के लेसन में देखते हैं मिक्सोलिडियन मोड या मिक्सोलिडियन स्केल, इसकी पहचान क्या होती है। अभी हाल ही में मैंने एक लेसन पोस्ट किया था डोरियन मोड पर, आप उस लेसन को ज़रूर देखें, इस लेसन को समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। उस लेसन में मैंने डिटेल में समझाया था कि डोरियन मोड यानी डोरियन स्केल की पहचान क्या होती है। इसके अलावा मैंने कुछ और लेसन्स पोस्ट किए हैं मेजर स्केल्स पर, माइनर स्केल्स पर, इन लेसन्स को भी आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लेसन में पिछले लेसन की तरह हम चार या पांच बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्केल में क्या क्या नोट्स बजाए जाते हैं। मैं वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक दोनों के नाम लूँगा ताकि आपको दोनों तरफ से जानकारी हो, और उसके बाद देखेंगे कि उन नोट्स पर आप कौन कौन से कॉर्ड्स बजा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि स्केल की क्या पहचान है, क्या खासियत है। फिर मैं आपको कुछ गानों के साथ बजा कर दिखाऊंगा जो कि स्केल पर आधारित है, और आखिर में देखेंगे कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, स्केल को मिक्सोलिडियन मोड क्यों कहते हैं, कौन से हिंदुस्तानी राग हैं जो कि इसी स्केल के नोट्स को यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आइए आगे बढ़ते हैं मिक्सोलिडियन मोड। तो आइए देखते हैं स्केल में क्या क्या नोट्स होते हैं। मैं आपको तीन एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला हम सी पे लेके चलते हैं। तो अगर आप सी से लेके चलें तो इसमें जो नोट्स होंगे वो यूं हैं। सी डी ई एफ जी ए बी फ्लैट सी, हिंदुस्तानी म्यूजिक में सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी और सा। अगर आप जी को टॉनिक नोट लेके चलें तो जी ए बी सी डी ई एफ जी, वही सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी, सा। अगर आप ए से शुरुआत करें तो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी ए, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी, सा। यानी आप जहां से भी शुरू करें नोट्स वही होंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, कोमल नी और सा, यानी सारे स्वर शुद्ध हैं, सिर्फ नी कोमल है। अब आइए देखते हैं कि इन नोट्स पर कौन कौन से कॉर्ड्स बजा सकते हैं। मैं जी वाले एग्जांपल को लेकर चलता हूं। तो पहला नोट है जी, उस पर हम जी मेजर बजाएंगे क्योंकि उसमें जी, बी और डी नोट्स होते हैं, ये तीनों नोट स्केल में है। दूसरा नोट जो है ए, उस पर हम ए माइनर बजा सकते हैं क्योंकि उसमें ए, सी, ई, ये तीनों नोट्स जो है ये स्केल में है। आप चाहें तो एफ मेजर भी बजा सकते हैं क्योंकि उसमें एफ, ए और सी नोट्स हैं और ये तीनों नोट स्केल में है। इसके बाद जो नोट है बी, इस पर आप चाहें तो जी मेजर बजा लें क्योंकि उसमें जी, बी और डी नोट्स हैं। आप इसमें चाहें तो ई माइनर भी बजा सकते हैं क्योंकि उसमें ई, जी और बी नोट्स हैं। अगर आप बी नोट पर ही बेस्ड कोई कॉर्ड बजाना चाहें तो आप बी डिमिनिश बजा सकते हैं क्योंकि इसमें जो नोट्स हैं बी, डी और एफ, ये तीनों नोट स्केल में है। लेकिन बी डिमिनिश चूंकि सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है, आप जी बजाएं ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो नोट है सी, इस पर आप सी मेजर बजा सकते हैं, एफ मेजर बजा सकते हैं, ए माइनर भी बजा सकते हैं क्योंकि इन तीनों कॉर्ड्स में जो नोट्स हैं वो स्केल में है और सी नोट भी है। इसके बाद जो नोट है डी, इस पर आप जी बजा सकते हैं क्योंकि जी मेजर में जी, बी, डी नोट्स हैं। अगर आप डी पर ही कॉर्ड बजाना चाहें तो आप डी माइनर बजा सकते हैं क्योंकि इसमें डी, एफ और ए नोट्स हैं और ये तीनों नोट्स इस स्केल में हैं। इसके बाद है ई, इस पर आप ई माइनर बजा लें, आप सी मेजर भी बजा सकते हैं, ए माइनर भी बजा सकते हैं क्योंकि इन तीनों कॉर्ड्स में जो नोट्स हैं वो स्केल में हैं और इन तीनों कॉर्ड्स में ई नोट है। इसके बाद है एफ, इस नोट पर आप एफ मेजर बजा सकते हैं क्योंकि इसमें एफ, ए और सी नोट्स हैं, वो तीनों नोट्स स्केल में हैं। आप चाहें तो डी माइनर में बजा सकते हैं क्योंकि इसमें डी, एफ और ए नोट्स हैं। और उसके बाद हम वापस जी में पहुंच गए हैं, यानी कि जी मेजर। तो आइए देखते हैं कि जो गाने मिक्सोलिडियन मोड में या मिक्सोलिडियन स्केल में बने होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, उनकी क्या पहचान होती है। सबसे पहली बात, ये मेजर स्केल है, यानी कि इस स्केल का जो टोनल सेंटर है, जो टॉनिक नोट है जिसे हम सा कहते हैं, उस नोट पर जो कॉर्ड बना हुआ है वो एक मेजर कॉर्ड है। तो अगर आप सी से शुरुआत करते हैं स्केल को तो इस गाने का जो होम कॉर्ड है वो आपका सी मेजर हो जाता है, यानी कि गाना हर वक्त जो है उस कॉर्ड की ओर खींचा चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस स्केल में जो सेवन्थ नोट है, जिसे वेस्टर्न म्यूजिक में हम सेवन्थ इंटरवल कहेंगे, वो मेजर की जगह माइनर है। यानी कि अगर आप सी को टॉनिक नोट लेके चलें
तो अगर आप सी मेजर स्केल बजाते हैं तो उसमें जो नोट्स होते हैं वो है सी डी ई एफ जी ए बी सी, यानी कि जो सेवेंथ नोट है जिसे हिंदुस्तानी में हम मी कहते हैं वो बी है, यानी कि शुद्ध नी है। मिक्स मेलोडियन स्केल में बी की जगह हम बी फ्लैट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नी कोमल हो जाता है, यानी कि सारे स्वर शुद्ध है, सिर्फ जो आपका नी है वो कोमल है। तो सेवेंथ नोट पर आप जो है एक मेजर कॉर्ड बजा सकते हैं, यानी कि अगर आपका स्केल सी मेजर है तो आप सी मेजर के अलावा इस स्केल में बी फ्लैट मेजर बजा सकते हैं। अगर आपका स्केल जी मेजर है तो आप एफ मेजर बजा सकते हैं, अगर ए है तो जी मेजर बजा सकते हैं। तो जो भी गाने इस स्केल में बने हैं उसमें आप देखेंगे जो टॉनिक नोट है उस पर जो है कॉर्ड वो मेजर होगा, और उस टॉनिक नोट से दो कदम पीछे जो नोट है उस पर जो है एक मेजर कॉर्ड हमेशा आपको मिलेगा। तो ये समझाने के लिए मैं आपको दो एक कॉर्ड प्रोग्रेशंस दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपका जो टॉनिक नोट है वो है सी, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया अगर सी मेजर में आप बजा रहे हैं तो सी मेजर के साथ आप बी फ्लैट बजा सकते हैं। अगर आप जी में बजा रहे हैं तो जी और एफ, अगर आप ए में बजा रहे हैं ए और जी, तो आइए कुछ गानों के एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि मिक्सोलिडियन मोड की पहचान क्या होती है। मैं आपको तीन गानों के एग्जांपल्स दूंगा, इन तीनों पर मैंने लेसन्स पोस्ट किए हैं, मैं आपको उन लेसन्स के टुकड़े दिखाऊंगा। तो पहला गाना देखते हैं, मुसाफिर हो यारो। तो अभी आपने देखा कि गाना बी मेजर में था, लेकिन हम बी मेजर के साथ एफ शार्प मेजर जो है कॉर्ड नहीं बजा रहे थे, ए मेजर कॉर्ड बजा रहे थे, और यही प्रोग्रेशन जो है बी से जब ए जाता है और ए से जब बी वापस आता है तो ये इस गाने को एक मिक्सोलिडियन मोड की पहचान देता है। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिल्म शालीमार से हम बेवफा हरगिज न थे, इसका भी मैंने डिटेल लेसन पोस्ट किया, मैं आपको लेसन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। तो आइए देखते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, अभी हाल में ही मैंने लेसन पोस्ट किया था, फिल्म उपकार से ये गाना है, कस्मे वादे प्यार वफा। कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। तो अभी जैसे आपने देखा गाना एफ मेजर में था, लेकिन हमने एफ मेजर के साथ ई फ्लैट मेजर का इस्तेमाल किया। तो यही जो आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन देखे, अभी बी मेजर में बी और ए कॉर्ड का खेल, एफ मेजर में एफ और ई फ्लैट का खेल, यही खासियत होती है उन गानों की जो मिक्सोलिडियन मोड में कंपोज किए गए हों। तो आइए देखते हैं कि इसे मिक्सोलिडियन मोड क्यों कहते हैं। जो डायटोनिक मेजर स्केल है, मान लीजिए अगर आप सी मेजर में बजा रहे हो तो आपके नोट्स हैं सी डी ई एफ जी ए बी और सी, तो आपका जो फिफ्थ नोट है यानी कि जो जी नोट है, अगर आप उससे स्केल को शुरू करें और बाकी नोट्स को आप सेम रखें तो आपका स्केल हो जाता है जी ए बी सी डी ई एफ और जी। अगर आप इसी जी को अपने स्केल का पहला नोट यानी कि टॉनिक नोट यानी सा पकड़ के चले तो ये सी डायटोनिक मेजर स्केल का मिक्सोलिडियन मोड कहलाता है। तो आप एक बार के लिए भूल जाएं कि ये डायटोनिक मेजर स्केल का एक मोड है, यानी उसी स्केल का एक दूसरा रूप है। आप ये समझ के चलें कि ये एक स्केल है जिसमें आपका जो सेवंथ नोट है एफ शार्प की जगह आप एफ नोट यूज करेंगे, यानी कि शुद्ध नी की जगह कोमल नी यूज करेंगे। हिंदुस्तानी रागों में बहुत से राग हैं जो कि इसी स्केल पर बेस्ड हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन राग जो कि बॉलीवुड के गानों में यूज किए गए हैं, एक तो है राग खमाज और एक है राग झिंझोटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन के जरिए मिक्सोलिडियन मोड की थोड़ी पहचान हो गई होगी। मैंने शुरुआत में भी कहा था आप मेरे मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स के लेसन्स को ज़रूर देखें, और मैंने मोड्स पर और भी लेसन्स पोस्ट किए हैं, डोरियन मोड और आज आपने देखा मिक्सोलिडियन मोड। आप इन सबको देखें, आपको इन लेसन्स को देखने के बाद स्केल्स की बहुत जानकारी बढ़ जाएगी, आपके कान और पक्के होते जाएंगे और आपके बहुत से गानों में
समझने में आसानी होगी कि उन्होंने जो कॉर्ड्स यूज किए हैं तो क्यों यूज किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया। अपने सवाल, अपने कॉमेंट्स, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर भेजें, मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपको अगर लेसन पसंद आया हो तो मुझे बताएं, मैं ऐसे ही और भी लेसन ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं, शुक्रिया।